हेलो एवरीवन, मैं राकेश चंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल लाइफ कोच, जो दुनिया भर में लोगों को मोटिवेट कर रहा था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो साहस, जो हिम्मत, जो हौसला के बारे में मैं बात करता हूं, वह भी इंसान एक किसी से मोटिवेट होने के लिए आ जाया है। जी हां, आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो वाटर एडवेंचर में दुनिया भर में प्रचंड फहराया है। अपने ही देश का वह नौजवान जो राष्ट्रपति पुरस्कार, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से भी पुरस्कार लिए हुए हैं, और ना जाने कितने कितने पुरस्कार लिए, उनके जवाने में आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। मैं श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी से आपसे इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। जो मैं बात बोलता, मेरा टैग लाइन एवरीथिंग इज पॉसिबल, वह यहां से आता है। जी हां, मैं भी किसी और से मोटिवेट होता हूं तभी मैं आपके पास आता हूं। सत्येंद्र सिंह जी, आप हमारे दर्शकों को और पूरे दुनिया को, मेरे भारतवर्ष के हर नौजवान को बताइए कि जीवन में कभी भी हार न मानने वाला वह कौन सा फॉर्मूला है जिसे समझ करके जो आज के दिन में 30 साल, 25 साल और 35 साल में युवाएं अपना ही लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें इंस्पायर करें आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश चंद्रा जी एवं आपकी पूरी टीम को। आपने हमारे जो अचीवमेंट को, जो ऑडियंस को बताने के लिए यहां तक अपने इस चैनल में यार मोटिवेशनल इसमें मेरे को इनवाइट किया, इसके लिए मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम रिंकेश भाई सभी का मैं थैंक यू अदा करता हूँ। साथ में आपने अच्छा सवाल किया कि जिंदगी में हर किसी के जीवन में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आते हैं। हर किसी के जीवन में सफलताएं, निराशाएं, कुछ भी जीवन में आता रहता है। तो मेरा मानना है कि जीवन में जब भी कोई, मैंने हमेशा जीवन में एक ही बात सोची कि कोई भी जीवन में असफलता है तो हमें उसमें सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए। नकारात्मक तो चीज़ें हैं ही हैं, माहौल है, मगर हम जब चीज़ें सकारात्मक ढूंढेंगे, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें हमारी कुछ अच्छाई है। कुछ अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ हमारा इसमें पॉजिटिव, एक हमारे लिए कुछ अच्छा मिलेगा। क्योंकि जब हम आज के नवयुग में, मैं यहाँ पर जो दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि हम सोचते ही नहीं है कि जीवन में हम क्या करना है क्या नहीं करना है, हम इसी में ज़िंदगी में निकाल देते हैं। बहुत सी चीज़ें तो हमको पता ही नहीं पड़ता कि ज़िंदगी हमें क्या करना है, उसमें हमारी ज़िंदगी निकल जाती है कि हमारे पास ये चला गया, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मेरा एक ही मकसद है कि ज़िंदगी में आप वर्तमान पर जिए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप वर्तमान में जिए, आने वाले समय में, आप भविष्य में भी, आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप अतीत पर विश्वास करेंगे। जिस तरीके से मेरे प्रॉब्लम हुई, 70% दिव्यांग हूँ, व्हीलचेयर बाउंड पर्सन हूँ, चल नहीं सकता हूँ, बट मैंने हमेशा अपने पे एक ही चीज़, ये ताकत है।